धांधली वाली चली है, तो आपको किस चीज़ में मतलब प्रॉब्लम कहाँ पर आई आपको? प्रोफेशनल के लिए मना किया था कोई भी खिलाड़ी, तो नहीं होना चाहिए। अब सही बात है, किसी के हस्बैंड वाइफ ही है केवल और बच्चा है, सास ससुर नहीं है। हम भी अपने ऑब्जेक्शन है भैया, मैं कुछ नहीं कहना चाह रही हूँ, मेरा सिर्फ एक ऑब्जेक्शन है कि हमने दो दिन भी भरी है जो खेल कर आ रहे, इन्होंने ग्रुप में डाल रखा था। टीम यहाँ पर एकजुट होकर रखी है और कह रही है कि यहाँ पर पूरी धांधलीबाजी चल रही है, तो क्या आपको भी लगता है कि धांधलीबाजी चल रही है? लगता है। तो आपको किस चीज से मतलब प्रॉब्लम कहाँ पर आई आपको? प्रोफेशनल के लिए मना किया था कोई भी खिलाड़ी, तो नहीं होना चाहिए। लड़की एक बोली थी, एक रखनी चाहिए थी। वो सही बात। जो प्रेम भाई हमने स्कॉलर्स के टाइम पे बोला, तो उस टाइम प्रेम भाई ने बोला कि 25 प्लस किसी को भी रख लो, हम भी ये तो हमको पहले बता देते, लास्ट में बता रहे जब मैच स्टार्ट होगा उसके बाद कोई फायदा उसके बाद? गलत तो गलत है, दोगली बातें हुई है और मैच बहुत बुरा हुआ इस हिसाब से देखा जाए। तो मैम आपकी बात हम आगे तक रखेंगे, अपने ब्लॉग में रखेंगे। चलो ये बहुत अच्छा के लिए, तो ये बहुत अच्छा हमें प्लेटफॉर्म दिया है। बिल्कुल बिल्कुल। औरतें घर का काम कर छोड़ के आजकल हम कुछ नहीं देख रहे, खाना नहीं देख रहे, पीना नहीं देख रहे, हम फील्ड में पहुंच जा रहे, बच्चे स्कूल जा रहे, हम बच्चों को तैयार नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे। अब सही बात है, किसी के हस्बैंड वाइफ ही है केवल और बच्चा है, सास ससुर नहीं है। हम भी अपने बच्चों को छोड़ के आ रहे हैं, धन्यवाद। हमारी आपसे उम्मीद है कि आप इसको यूट्यूब में बिल्कुल डालेंगे, बिल्कुल डालेंगे, आगे तक पहुँचाएंगे, बिल्कुल डालेंगे, आवाज हर महिला तक पहुँचे, बिल्कुल डालेंगे। आप शाम को देख लेना, हम ये आवाज हमारी हर महिला तक पहुँच रही है, ये धांधलीबाजी नहीं चलेगी। अजीत पहाड़ी के 15 धन्यवाद। अभी आपने देखा होगा कि कोटद्वार में महिला क्रिकेट टूर्नामेंट चल रहा है और काफ़ी महिलाएं यहां पर रुचि ले रही हैं, और फिलहाल यहां पर अभी जो मेरे साथ जुड़ी हैं यूथ कांग्रेस की टीम जुड़ी है और लगातार उनका अभी तीनों मैचों में अभी उनको जीत हासिल नहीं हुई है। तो फिलहाल हमारे पास यूथ कांग्रेस महिला टीम की कैप्टन जुड़ी हैं। कैसा आपका जो गेम था, किस तरह से आपका गेम का इम्प्रूवमेंट रहा, किस तरह की महिलाओं ने आपके एकजुट होकर आपके साथ मतलब गेम के साथ आपका रूप बनाया? सबसे पहले तो आप सभी को मेरे नमस्ते, और मैं सिर्फ मेरा एक ऑब्जेक्शन है भैया, मैं कुछ नहीं कहना चाह रही हूँ, मेरा सिर्फ एक ऑब्जेक्शन है कि हमने दो दिन भी हमने बहुत अच्छा खेला, गमनपुर की टीम के साथ भी हमने बहुत अच्छा खेला और कल की टीम के टीम के साथ भी हमने बहुत अच्छा खेला, क्योंकि वहाँ प्रोफेसर खिलाड़ी नहीं थे। हमने आज आवाज़ इसलिए उठाई कि इन्होंने ग्रुप में डाल रखा था कि प्रोफेसर खिलाड़ी कोई नहीं आएगा, नहीं आएगा। इन्होंने आज सबसे पहले प्रोफेसर खिलाड़ी को आगे उतारा इन्होंने। कोई बात नहीं, एक लड़की थी इनके साथ में, हमें कोई परेशानी नहीं है, हमारे साथ भी एक लड़की है, लेकिन हम उस लड़की को बाद में खिलाते, पहले हम महिलाओं को मौका देते, क्योंकि महिलाओं का मैच है ना, हमारे हमारे बच्चे हमारे बराबर है, इन लड़कियों के बराबर है, हमारे साथ की लड़की इस लड़की के बराबर है, इस लड़की के बराबर है जो हमारे साथ की लड़की है, इसके बराबर हमारे बच्चे है भैया, ये हम सबसे लास्ट में खिलाते हैं इसको, क्योंकि महिलाओं को मैच चाहिए और हम अपनी सारी महिलाओं के लिए आवाज उठा रहे कि जब हमारे लिए ये एक सूचना दी गई थी कि प्रोफेसर खिलाड़ी खेलेगा, तो फिर प्रोफेसर खिलाड़ी नहीं खेलेगा, सॉरी, तो यहाँ पर आना क्यों चाहिए था फिर वो? और आगे तो उसको फिर बाद में खिलाओ, उसको बाद में खिलाओ, और हम किसी के लिए हम किसी महिला का अपमान नहीं कर रहे। हमारी दीदी ने जो बात यहाँ से मंच से बोली, इसका मतलब तुम्हें मंच दे रहेगा तो तुम महिलाओं का अपमान करोगे? उनके लिए तो सारी महिलाएं बराबर है ना? जी बिल्कुल सही बात है, नहीं कि सारी महिलाएं, तो हमने तो उन महिलाओं को हमारे सामने लाओ, वो तो हमारे लिए हाथ जोड़ रही है कि तुमने भी बहुत अच्छा खेला, हम भी ठीक है। हमारा सिर्फ उनसे ये है कि तुमने अगर प्रोफेसर खिलाड़ी ला रखी थी तो उसको बाद में खिलाना चाहिए था, पहले महिलाओं को मौका दो ना, जिन महिलाओं के लिए यह मैच है भाई। सारी महिलाएं अपना घर छोड़ के आ रखी है, कोई महिला यहाँ पर फ्री नहीं है, कोई महिला यहाँ पर फ्री नहीं है, अगर है फ्री तो बताओ। सारी महिलाएं अपना घर बार बच्चा छोड़ के, पति ससुर सब छोड़ के, गाय बच्चा छोड़ के, और इस मैदान में इन्हीं महिलाओं को, इसका मतलब अगर ये था तो इन लोगों को पहले हमें सूचना देनी चाहिए थी, तो हम भी लाते। उनके साथ में जो महिला थी उसने 2 रन बनाए, और उस महिला ने सिंपल 14 बॉल में सारे 38 रन बना दिए, तो बोला ये प्रॉब्लम उसके, तो हमें शुरू से ही पता चल रहा था ना खेल से ही, हम भैया 3 दिन से खेल रहे और हमें हार जीत से कोई मतलब नहीं है, हमारे तो ऊपर वाले सर आप लोगों से और यहाँ के जितने भी मंचासीन लोग हैं, इनसे सभी से अनुरोध है कि इन्होंने हम लोगों को खेलने का मौका दिया, मैदान में उतरने का कुछ सीखने का मौका दिया, पर लेकिन किसी भी महिला का अपमान करना किसी का कोई अधिकार नहीं बनता।
जी जी बहुत धन्यवाद। हमारा ये की माना है और हमारी महिलाओं को तो बिल्कुल भी नहीं, हम के साथ नहीं बोला हमने ऐसा कुछ, बचपन टीम के साथ भी 25 साल से ऊपर एक लड़की, अब कह रहे हैं यही स्टेज में बैठे हैं जो क्या कहते हैं महान व्यक्ति लोग और महिलाएं, अब 25 साल से ऊपर तो कोई भी हो जाए, जो 40 साल की हो तो वो चले गए। हमारी एज देखो ना, हमारी जब मैरिड में कोई फर्क नहीं है, यहाँ जो तीन तीन जब महिला जब आप लोग सुन सुनो हमारे आप तीन चार लोगों का मैरिड का कुछ वो नहीं है क्या, आप लोग खुद सुनो कि जब महिला को मंच दिया गया ना तो महिलाएं खेलेगी, गलत बोल रही हूँ मैं, बहुत बहुत सही कह रहे हैं कि अगर यहाँ पर महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए, महिलाओं को प्रोत्साहन करने के लिए अगर मैच खेला जा रहा है तो उसको उस प्रोफेशनल तरीके से खेलना चाहिए है कि नहीं है, दोगली बात है। और मैं जितने भी हमारे मंच में बैठे सिर्फ दोगली बात कर रहे हैं, शुरू से देख रहे हैं, शुरू से देख रहे हैं, शुरू से वो भी महिला है, वो भी बोल रही है आप क्या परेशानी है, हमें तो परेशानी ये कि हमारी टीम जब खेल रही थी इन्होंने इतना ऑब्जेक्शन उठाया और अब लगे हुए हैं अपनी टीम में दो दो तीन तीन लड़कियां रखने में, और हमने एक लड़की रखी, इन्होंने इतना ऑब्जेक्शन उठा के आप फिर भी लड़कियां ले आओ, पर प्रोफेशनल नहीं लाओ, बिल्कुल सही बात है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो हमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिंदगी हमारी टीम में हमारी टीम है और दो तीन दिन पे बैट पकड़ा है जिन्होंने ऐसे नहीं खेले, कोई रूल है प्रोफेशनल मतलब ऐसे ना, सुनो हार जीत अलग जगह है, अगर आपको ये लग रहा होगी कि हम आवाज उठा रहे ना, सारी महिलाएं आवाज उठा रही, बिल्कुल बिल्कुल लग रहा है, लग रहा है, उसमें पहली लिख देते, आज हमारा दूसरा मैच था, भले हम हार गए लेकिन हम बहुत अच्छा रन बनाया हमने, आप हारे नहीं, आपने सबके दिल में जगह बनाई है, क्योंकि आज आप खेल रहे हैं कल और आपके बच्चे भी खेले, कुछ महिलाएं खेलेंगे और एक दिन इंडिया के लिए खेलेंगे, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल साफ है, साफ दिल की रूल दिया, अभी अभी आप यहाँ पे हो तो हम इनका सपोर्ट इसलिए कर रहे हैं कि हम इनका सपोर्ट नहीं, तो हमें तो अभी तक लड़कियां सब खेल रही, स्कॉलर से खेल रही, सब जगह से खेल रही, हमने अभी तक किसी में ऑब्जेक्शन नहीं उठाया, कोई नहीं, हमने कहा खेलो, महिलाओं के लिए बोल रहे, हम देखो महिलाओं के लिए बोल रहे और ये सारी महिलाओं के लिए बोल रहे, जब चलो लड़कियां रखी है, मेरी बात सुनो, लड़कियों में और औरतों में बहुत अंतर होगा, लड़कियां जितनी एक्टिव होंगी औरतें नहीं होंगी, हमारी टीम है जिनका चार पांच सेंस है, जिनका भी एक साल तक ऑपरेशन हो रहा था, तो कोई फर्क ही नहीं है, देखो बच्चे वाले आज तक कभी नहीं, कभी क्रिकेट खेले नहीं, आज पहली बार आप क्रिकेट खेल रहे हैं, सबसे बड़ी बात है कि ग्राउंड में उतर रहे हैं, सबसे बड़ी बात तो ये चीज अलग जगह, हम आपसे उम्मीद रखते हैं, अरे हमारी भाई तो है नहीं, हम आपसे उम्मीद रखते हैं कि आप ये YouTube में जरूर डालेंगे, बिल्कुल डालेंगे, ऐसी बात करते हैं, नहीं भाभी तो एक सेकंड, पहले तो शादी की बाबा, पहले तो शादी आपको बाबा सबका